हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? फाइन, ओके। अब मैंने लास्ट में मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको एकदम क्लियर कट होगा, है ना। आई होप कि एक में उसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो मेरे बच्चों आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, आपका मेरा नंबर आपके पास है ही, है ना। ओके बच्चों, अब देखो, जब स्कूल रीओपन होगी ना, तब ये चैप्टर आपको एक बहुत अच्छी तरह से आता होगा ना, तो ही आपको फर्दर चैप्टर जो स्कूल में कराओगा ना, वही आपको अच्छी तरह से कर पाओगे बच्चों। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ध्यान दो सब। क्वेश्चन नंबर फोर में गणेश है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, और उसका मंथ और डेट दिया हुआ बच्चों। देखो मंथ और डेट कौन सी है, मार्च 2020 मार्च फर्स्ट। मैं बिंग यानी कि नरेशन लिखता नहीं हूं, आप लिख देना बच्चों अच्छी तरह से बुक में, एकदम नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब ट्वेल्थ में आओगे तब उसके भी मार्क्स रहते हैं प्रैक्टिकल में बच्चों। सो प्लीज आप अच्छी तरह से मेंटेन करना FNB, है ना। जब ये चैप्टर पूरा होगा तो इसका मैं सेल्फ असेसमेंट दूंगा, जिस तरह से मैंने प्रीवियस चैप्टर का दिया था, जिसका सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन का, है ना बच्चों। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू देव, मतलब उस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा बच्चों, क्योंकि देव पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, पार्टी का नाम दिया है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। सोल्ड किया है तो गुड्स कम्स इन गोज आउट, तो गुड्स क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स की जगह लिखेंगे क्या, यस सेल्स लिखेंगे। तो देव अकाउंट डेबिट, देव रिसीवर है, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चों, 1 लाख 1 लाख, देखो बच्चों इस तरह से साम सामने ही होना चाहिए, ये दोनों इधर नहीं, ये दोनों इधर भी नहीं चलेगा, है ना। जो देव लिखा है तो देव का डेबिट है, तो डेबिट के उसके सामने क्रेडिट है, तो क्रेडिट के सामने ही होना चाहिए। और नीचे बीइंग शॉर्ट में लिखना है बच्चों, बहुत सारी स्टोरी नहीं लिख देना है ना। कोई कोई बच्चे तो बीइंग में 3-4 लाइन लिख देते हैं। देखो बच्चों, बीइंग अच्छी तरह से लिखोगे तो मार्क्स आपको कटेंगे नहीं, है ना, वरना आधा मार्क्स का कट जाएगा, तो बीइंग आपको लिखना कंपलसरी है। तो 3 नंबर का ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हुआ। अब डेट फाइव में क्या बोला बच्चों, देखो डेट फाइव में हमें बोला है कि रिसीव्ड फ्रॉम देम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। तो मुझे देव से 98,000 मिले फुल सेटलमेंट में। देव ने बोला सर ये लो 98,000, आपका काम हिसाब पूरा। लेकिन मुझे देव से कितना मेरे बच्चों लेना था, 1 लाख रुपीज लेनी थी। देखो 1 लाख रुपीज लेना था, उसने कितना पे किया, 98,000। इसका मतलब यहाँ पे है उसने फुल सेटलमेंट, उसका हिसाब पूरा हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब अब लेना देना कुछ नहीं है। तो देव ने बोला ये लो 98,000 और हमारा हिसाब पूरा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2,000 कम आया हमें, मुझे एक्चुअली लेने थे 1 लाख रुपीज, लेकिन आया कितना कैश, 98,000। तो यहाँ पे 2,000 जो कम आया है उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, हमने डिस्काउंट दिया किसको, मिस्टर देव को, है ना बच्चों। आई होप कि समझ गए। देखो फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब ये होगा अब 98 दिया, अब लेना देना कुछ नहीं। 1 लाख मांग रहे थे, अब 2,000 हम मांग नहीं सकते, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट ऐसा वर्ड यूज किया है। फुल सेटलमेंट का मीनिंग ही यही होता है बच्चों, उसका अकाउंट क्लोज, उसको हिसाब किताब पूरा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड दिया हुआ है, जितनी अमाउंट कम होती है मेरे बच्चों वो डिस्काउंट के तौर पर होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब शांति से समझना, है ना, एक एक वर्ड समझना बच्चों। 5 नंबर की बात करूंगा मैं, 5 नंबर की। तो मेरे पास कैश कम, कैश आया तो कैश कम्स इन मतलब डेबिट होता है, रियल अकाउंट का रूल्स। कैश कम्स इन मतलब कैश अकाउंट डेबिट, है ना बच्चों, कितना आया, 98,000। और मैंने डिस्काउंट दिया बच्चों, डिस्काउंट यहां पे देखो, डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस ही से बचो, है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आप यहां डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो या डिस्काउंट सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखो या डिस्काउंट अकाउंट, बहुत आसान। कितना डिस्काउंट दिया? 2000, क्योंकि मेरा ये एक्सपेंसेस हुआ बच्चों, 2000 मुझे कम आया, मेरा एक्सपेंसेस हुआ या लॉस हुआ, तो एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होता है, तो डिस्काउंट के फॉर्म में एक्सपेंसेस हुआ तो 2000। टू, हु इज गिवर? गिवर इज देव, गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, 1 लाख रुपीज। उसने 1 लाख रुपीज उसके अकाउंट को हमने फुलफिल कर दिया, मतलब कि उसको अकाउंट में सेटल कर दिया। उसको एक्चुअली सेटल करने में कितना देना था? 1 लाख रुपए। दिया कितना? 98,000। तो कैश कम्स इन 98,000, कितना हमने डिस्काउंट दिया? देखो हमारा एक्सपेंसेस हुआ 2000, लॉस हुआ, एक्सपेंसेस या लॉस हुआ तो डेबिट, वो रूल्स पता है आपको, है ना। 2000 यहाँ पे अकाउंट सेटल कितना हुआ देव का? फुल फुल सेटलमेंट हुआ 1 लाख का। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट की ही अमाउंट लिखनी है मेरे बच्चों, है ना। और यहाँ पे इस तरह से 1 लाख का स्प्लिट हो गई, 1 लाख रुपीज की स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है। और यहाँ पे अकाउंट इस तरह लिखना है, बिंग में लिखना अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देव विद डिस्काउंट। ओके बच्चों, ओके, यहाँ पे मैं ये क्लोज कर दूँ। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे, सिक्स नंबर, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन ₹80,000, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन ₹80,000। तो 80,000 का गुड्स हमने मनमोहन को बेचा। तो यहां पे सिक्स नंबर, तो इसमें किस तरह से एंट्री होगी? सोल्ड टू मनमोहन, है ना। यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, अदरवाइज कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश दिया होता, लेकिन मनमोहन, मनमोहन वो पार्टी का नाम है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो हु इज रिसीवर? मनमोहन इज गुड्स इज रिसीवर, मनमोहन इज रिसीवर, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल का रूल्स है वो, रिसीवर डेबिट होता है, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट कितनी अमाउंट बच्चों? 80,000 का गुड सोल्ड किया, 80,000। यहां पे लिख देना गुड सोल्ड टू मनमोहन या गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। आई होप कि यह पता चल गया होगा, ये तो पुरानी एंट्री थी बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, उसके 8 नंबर में गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन ₹1,000, गुड्स रिटर्न किया मनमोहन ने, तो हु इज द रिसीवर? देखो बच्चों यहाँ पे गिवर है मनमोहन, हमें पार्टी का नाम देखना है, तो गिवर कौन होगा? मनमोहन। तो मनमोहन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और गुड्स आया, लेकिन गुड्स कम्स इन, गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पता है गुड्स का नाम परचेज या परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल्स रिटर्न के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैं एंट्री नंबर 8 बोलता हूँ, 8, तो ये सेल्स रिटर्न होगा बच्चों, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट अमाउंट 1,000। अमाउंट 1,000 का बच्चों, अब ध्यान से समझो कि सेल्स रिटर्न, है ना, सेल गुड्स आया, गुड्स कम सी, मतलब गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखते बच्चों। मैंने बताया था ना, सेल्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो मनमोहन से वो हमने सोल्ड किया था उसको, वही गुड्स रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। और पार्टी कौन है? गिवर, गिवर क्रेडिट होता है, तो मनमोहन अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम और सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी देखो बच्चों, अब आप देखो ना, तो हमने मनमोहन से कितने रुपए का गुड सोल्ड किया था? 80,000 में, उनमें से 1,000 का उसने रिटर्न कर दिया। अब मनमोहन से हमें कितनी अमाउंट लेनी है? 79,000 बच्चों, 79,000, है ना, 79,000। अब मनमोहन ने पेड की, है ना, मनमोहन ने अमाउंट पेड की फुल सेटलमेंट में 78,200,
800 हमें पेमेंट किया, एक्चुअली मनमोहन से हमें 79 लेना था। आई होप कि पता चलो 79 कैसे है मेरे बच्चों, 80,000 देखो बच्चों, 80,000 का गोल्ड सोल्ड किया था मनमोहन को, उनमें से 1,000 को उसको रिटर्न कर दिया। तो अब मनमोहन से रुपीस कितना लेना है, 79,000 लेना है, उनमें उसने फुल सेटलमेंट के तौर पर 78,200 दिया। मतलब मेरे बच्चों डिस्काउंट कितना अलाउ किया होगा हमने, हमने डिस्काउंट दिया होगा 800 का। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये यहाँ पे नंबर एंट्री नंबर है, आई होप कि 15 नंबर की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट अमाउंट, हमें एक्चुअली 79,000 लेना था मनमोहन से, इसको स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास कैश कितनी आई, 78,200, तो 800 का मैंने डिस्काउंट दिया होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। देखो बच्चों, अगर दो एंट्री डेबिट में आई, यहाँ पे एक एंट्री क्रेडिट में आई, दो आइटम डेबिट में आई, एक आइटम क्रेडिट में आई, दो डेबिट में ये दो, यहाँ पे भी दो डेबिट में, यहाँ पे भी दो डेबिट में, क्रेडिट में, अगर दो अमाउंट दो एंट्री दो आइटम डेबिट में या क्रेडिट में आती है उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं बच्चों। कंपाउंड एंट्री में टू अकाउंट्स डेबिट, आइदर डेबिट और द क्रेडिट, दो अकाउंट डेबिट होता है, एक ही एंट्री में दो अकाउंट डेबिट होता है या दो अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं बच्चों। कौन सी एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंडिंग एंट्री में ऑलवेज आइदर टू अकाउंट्स डेबिट और टू अकाउंट्स, अरे मोर देन वन अकाउंट्स डेबिट या मोर देन वन अकाउंट्स क्रेडिट, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री बच्चों। आई होप कि ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। तो अब एंट्री नंबर नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, 16 नंबर देखो दो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव्ड कितना किया बच्चों, अच्छा राम से कितना लेना था, हमें टोटल लेना होगा 20,000 और डिस्काउंट कितना दिया 500 का। तो देखो ये बहुत इजी है क्योंकि रेडीमेड सब कुछ दिया हुआ है ना, डिस्काउंट अलाउड 500 है और राम से रिसीव हुआ कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई 19,500। तो एकदम इजी है, इसमें देख देख के लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। कैश कम से मतलब डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट वो भी डेबिट और टू किससे मिला, राम से। तो यहाँ पे 19,500, ये 500 और यहाँ पे 20,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 300। हमने पवन को कैश पेमेंट किया 47, एक्चुअली वो 5,000 मांग रहा था, हमने 47 दिया तो हमें डिस्काउंट कितना मिला होगा। अभी तक के ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट अलाउड था, अब हमें डिस्काउंट मिला, हमारे इनकम हुई। अब देखो बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 16 के बाद 20, ये 20 नंबर का। तो देखो हमने पेमेंट किया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 300। हमें डिस्काउंट मिला है बच्चों, तो डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, और कौन रिसीवर कौन है, पवन, तो पवन अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअली वो हमसे कितना मांग रहा होगा 5,000 है ना। तो टू हमारा कैश कितना गया, गोज आउट मतलब क्रेडिट, कितना गया 4700 मुझे कैश पेमेंट करना पड़ा, और टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो डिस्काउंट अगर क्रेडिट में लिखते हो बच्चों, अगर डिस्काउंट क्रेडिट है तो वो हमें मिला होगा, अगर हमें डिस्काउंट डेबिट है तो हमने अलाउ किया होगा, दिया होगा, है ना। तो ये डिस्काउंट हमारी इनकम हुई इसलिए क्रेडिट, आपको पता है इनकम और गेन होता है तो क्रेडिट होता है ना। और पवन का कितना होगा सेटल अकाउंट, 5,000 का
अकाउंट सेटल होगा। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ रुपीज लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड होता नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड होता नहीं है। ये सब थे वो कैश डिस्काउंट थे, इसीलिए हमने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे बोल दिया है कि 20% कैश डिस्काउंट के सोल्ड किया है, तो 25,000 का 20% 5,000, तो हमें यहाँ पे जो 25 की एंट्री करनी है बच्चों, ध्यान देना शांति से, है ना, हमें जो एंट्री करनी है ना बच्चों, देखो हमें एंट्री जो करनी है, एक्चुअली 25,000 का गुड्स है, 25,000 उसमें से 5,000 हमने क्या क्या डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 20%, तो अब 20,000 का गुड्स बचा, तो इसकी एंट्री करनी है, ये किसी की भी एंट्री नहीं करनी है। अमाउंट कितनी है 20,000 की, ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी ना उसकी ही एंट्री करनी है बच्चों। गुड्स सोल्ड किया किसको, वरुण को, है ना, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखना मेरे बच्चों, और कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है, वो मैंने पहले भी बता दिया था। तो एंट्री होगी वरुण अकाउंट डेबिट, रिसीवर वरुण है, तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 20,000 और ये 20,000, ये आपको समझ में आ गया होगा 20,000 कहाँ से आया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो आप बोलोगे सर आगे के डिस्काउंट में आपने रिकॉर्ड किया, सब ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट दिया था, देखो बच्चों वो कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट सिर्फ माइनस होती है, जो अमाउंट की प्राइस है गुड्स की उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना वो अमाउंट आपको लिखनी है बच्चों। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ, तो इसका टोटल कर देना बच्चों, वो आप देख लेना टोटल कितना आता है, वो आपको बुक में कर देना, ये आपके लिए आपका वर्क है। ओके बच्चों, आज का टास्क ये है कि आप टोटल करके लिख देना। ओके बच्चों, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड एंट्री क्या है। कोई भी एंट्री में दो अमाउंट, दो आइटम डेबिट होते हैं या दो आइटम क्रेडिट, ऐसा नहीं है डेबिट ही होती है, मे बी क्रेडिट भी हो सकती है दो आइटम, है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कंपाउंड एंट्री, ये रही कंपाउंड एंट्री, इसमें दो दो अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री मतलब क्या बच्चों, या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होता है या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर, इस सम में हमने कंपाउंड एंट्री क्या है वो भी जाना, है ना बच्चों। और डिस्काउंट कौन सा रिकॉर्ड होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी थे, कैश डिस्काउंट पर था उसमें, और ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट लास्ट लास्ट ट्रांजेक्शन में था, कैश डिस्काउंट जो सिर्फ हमने डिडक्ट किया है उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया अकाउंट में। आई होप कि आपको आज का जो भी सेशन है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।